मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की, जिसका आज था 9वां दिन यानी कि 12 जून। हम बताएंगे कि कुछ क्या मेन इवेंट्स रहे, उनके क्या क्या रिजल्ट्स रहे, और साथ ही इस वीडियो के आखिर में हम बात करने वाले हैं मेडल टैली की, जिसमें हम बताएंगे कि कौन सा स्टेट नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है और नंबर 3, यानी कि टॉप 3 स्टेट्स। तो चलिए फिर अब रिजल्ट से शुरुआत करी जाए, और उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आर्चरी की, जिसके हमें फाइनल्स यानी कि गोल्ड मेडल मैचेस देखने को मिले। सबसे पहले कंपाउंड, विमेन कंपाउंड का फाइनल हमें देखने को मिला पंजाब और महाराष्ट्र के बीच, जहां पर महाराष्ट्र की अदिति गोपीचंद ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं उसके अलावा विमेन रिकर्व का फाइनल भी हमें देखने को मिला, जहां पर हरियाणा की रिद्धि फोर ने जो गोल्ड मेडल है वो जीत लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम जूडो की ओर। जूडो में 81 kg बॉयज के अंदर हरियाणा के रवि ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं बॉक्सिंग की बात करें तो बॉक्सिंग में हमें सेमीफाइनल्स देखने को मिले। मेन सेमीफाइनल्स रहा हरियाणा और दिल्ली के बीच, जहां पर हरियाणा के आशीष ने जीत हासिल करते हुए फाइनल्स में जगह बनाई। वहीं विमेन की बात करते हैं तो विमेन में फ्लाई वेट 50-52 kg का जो मुकाबला था वो हमें देखने को मिला सेमीफाइनल्स ही, वो भी मैच था जहां पर हिमाचल प्रदेश की रितु ने फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। वहीं बात की जाए बॉक्सिंग की तो बॉक्सिंग में भी हमें विमेन के जो सेमीफाइनल मैच था वो हमें देखने को मिला हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच, जहां पर हिमाचल ने उत्तर प्रदेश को हराते हुए फाइनल्स में अपनी जगह बना ली। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम स्विमिंग की, और स्विमिंग में हमें मेन 50 मीटर बैक स्ट्रोक के फाइनल्स देखने को मिले, जहां पर हरियाणा के वीर ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया और हरियाणा के झोली में एक और गोल्ड मेडल ऐड कर दिया। तो ये थे आज के मेन इवेंट्स के रिजल्ट्स। अब हम बात करेंगे मेडल टैली की। तो मेडल टैली में हमें आज के दिन चेंजेस देखने को मिले। बेसिकली जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन है, शुरुआत के दो स्थान में ही हमें चेंजेस देखने को मिले, जो कि हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच में ऊपर नीचे हो ही रहा है, हर रोज हमें देखने को मिल रहा है। जहां कल महाराष्ट्र नंबर 1 पर चल रहा था, वहां आज हरियाणा ने महाराष्ट्र को खिसकाते हुए दोबारा से नंबर 1 स्थान प्राप्त कर लिया है। जी हाँ, 9वें दिन के समाप्ति पर हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच गया है 119 मेडल के साथ, जिसमें से 41 मेडल्स गोल्ड है। सेकंड पे खिसक गया है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के 105 टोटल मेडल्स है, उसमें से 40 गोल्ड, यानी कि गोल्ड में जो डिफरेंस है वो केवल और केवल एक मेडल का ही है। थर्ड पे बना हुआ है कर्नाटक, जिसने 57 मेडल्स अपने नाम करे विद 21 गोल्ड मेडल्स। तो ये है टॉप 3 स्टेट्स एट द एंड ऑफ 9th डे यानी कि 12th जून ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो कल रहेगा 10वां दिन, तो देखते हैं कि क्या कल हमें दोबारा से कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे इस मेडल टैली में, क्योंकि काफी ही बेहतरीन कंटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है होस्ट स्टेट हरियाणा के बीच और प्रीवियस एडिशन के चैंपियन महाराष्ट्र के बीच। तो चलिए फिर, ये थी हमारी आज की वीडियो आप सभी के लिए। बाकी स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए आप सब चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।